स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की मच अवेटेड फिल्म डंकी का टीजर लॉन्च हुआ। इसके नाम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन टीजर के लॉन्च होने के साथ ही ये पता चला है कि ये फिल्म बेसिकली इंडिया से यूएसए, यूके और कनाडा में इलीगली एंटर करने के प्रोसेस यानी कि डोंकी फ्लाइट्स पर बेस्ड है। आज अमेरिका में इलीगली एंटर करने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स में पांचवीं सबसे बड़ी संख्या इंडियन इमिग्रेंट्स की है, तो वहीं यूके में इंडियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स तीसरे नंबर पर हैं। देखा जाए तो डोंकी फ्लाइट्स के चक्कर में फंसकर लोग दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें हर साल बहुत से इंडियंस अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला लॉकडाउन के बाद तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में इलीगल एंटर करने वाले इंडियंस का नंबर 2019 से 2023 के बीच 5 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, फिल्म की कहानी जाने क्या होगी, लेकिन टीजर के बाद इस डोंकी फ्लाइट्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, आखिर क्यों लोग इंडिया से इलीगली यूएसए, यूके या फिर कनाडा जैसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं और इसके लगातार बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डोंकी फ्लाइट से जुड़े हर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट में सोसाइटी टॉपिक और जीएस पेपर टू में इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, डोंकी फ्लाइट से डोंकी मेथड कोई इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर से निकला हुआ टर्म नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल पंजाब से यूके, यूएसए और कनाडा जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए किया जाता है। ये टर्म दुनिया भर में तब पॉपुलर हुआ जब इस पर माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2014 में एक रिसर्च पब्लिश की। देखा जाए तो उसमें रिसर्चर्स ने पंजाब से यूके जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की स्टडी की। रिसर्चर्स ने पाया कि डोंकी फ्लाइट्स एक तरह का पंजाबी इडियम होप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पर बेस्ड है। इसका मतलब है तेजी से एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंटली मूव करना, जिसे पंजाबी में डंकी कहा जाता है। दरअसल होता यह है कि जब किसी व्यक्ति को अपने मनचाहे देश में लीगल तरीके से एंट्री नहीं मिल पाती, तो वो इसके लिए इलीगल प्रोसेस को चुनता है। इंडिया के केस में यूके, यूएसए और कनाडा जैसे देशों में लोग इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यूएसए का केस ले तो डोंकी फ्लाइट प्रोसेस में लोग किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री का टूरिस्ट वीजा लेते हैं, फिर वहां पहुंचने के बाद लैटिन अमेरिका से मेक्सिको होते हुए यूएसए मेक्सिको बॉर्डर के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात जो हम सिर्फ 2 लाइन में कह दे रहे हैं, इसे असल बनाने में लोग न सिर्फ अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, बल्कि अपनी जान को भी दांव पर लगाकर इस रास्ते को चुनते हैं। उसके बावजूद ऐसे रास्तों से बॉर्डर क्रॉस करने की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत से लोग तो बॉर्डर के पहले ही वहां तक पहुंचने के डोंकी मेथड में अपनी जान गंवा देते हैं, और उनमें से जो लोग बॉर्डर के पास पहुंचते भी हैं, उन्हें क्रॉस बॉर्डर पुलिस डिटेन कर लेती है और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक यानी कि लगभग 10 महीने में 16,219 लोगों को सीबीएम यानी कि क्रॉस बॉर्डर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था, जबकि 2018 में नंबर सिर्फ 9,000 ही था। लेकिन उससे ज्यादा सरप्राइजिंग डेटा नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2022 से 2023 के टाइम में लगभग 97,000 इंडियंस को इलीगली एंट्री की वजह से अरेस्ट किया गया है, जिसमें 30,000 से अधिक लोग कैनेडियन बॉर्डर के जरिए एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं करीब 42,000 लोग मैक्सिको बॉर्डर से घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से डोंकी प्रोसेस के जरिए लोग अमेरिका जैसे बड़े देशों में असाइलम की उम्मीद में जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम डोंकी फ्लाइट्स को तो समझ गए, लेकिन उसकी असल समझ हमें तब होगी जब हम इस प्रोसेस में आने वाली जानलेवा चुनौतियों को भी समझें। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें, उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का बिगेस्ट दिवाली सेल आपकी इस बार की दिवाली के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सेल में आपको पीटीआई यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम पर मिल रहा है अब तक का सबसे हैवी डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, जीएस फाउंडेशन के लिए डिजाइन पीटीआई के 3 बैचेस यानी इंग्लिश बैच 15 नवंबर शाम 6 बजे, प्योर इंग्लिश बैच 17 नवंबर इवनिंग 6 PM, या आईएएस की तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं तो आप 10 नवंबर से शुरू हो रहे पीटीआई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्सेज सिर्फ इस दिवाली आपको 22999 में ही मिल रहे हैं। बस याद रखें कि कोर्स को परचेज करते वक्त एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि इस कोड को यूज करने के बाद ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे।
दोस्तों, इस प्रोसेस में आने वाले चैलेंजेस की बेसिक समझ के लिए आप ये मान लीजिए कि डोंकी प्रोसेस से यूएसए, यूके या फिर कनाडा जैसे देशों में जाना रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी प्लस बियर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड शो के अनस्क्रिप्टेड वर्जन के बराबर होता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है ट्रैवल एजेंसीज के ट्रैप से। दोस्तों, आज भी पंजाब से इन देशों में जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। पंजाब में ऐसे बहुत से ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों को अमेरिका में वर्क और एजुकेशन वीजा दिलाने की गारंटी देते हैं और इसी गारंटी से पूरा प्रोसेस शुरू होता है। पंजाब का यूथ अपने यहाँ से होने वाले इस तरह के माइग्रेशन से पहले ही प्रभावित है। ऐसे में दूसरे देशों में जाना उनका सबसे बड़ा सपना होता है, इसलिए ऐसे एजेंट्स उनसे एजुकेशन या वर्क वीजा की एप्लीकेशन भरवाने के नाम पर मोटी रकम ले लेते हैं। अब चूंकि इन देशों में नॉर्मल एजुकेशन और वर्क वीजा मिलना इतना मुश्किल होता है कि लोगों को लगता है कि शायद एजेंट्स कुछ करवा दें। लेकिन एजेंट्स पैसे लेकर वीजा तो अप्लाई कर देते हैं, पर होता वही है जो नॉर्मली हर किसी के साथ होता है, यानी वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन तब तक जाने वाले शख्स का अमेरिका या किसी और देश का ड्रीम इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो इस सपने को छोड़ ही नहीं पाता। और यहीं पर एजेंट्स H1B वीजा की बजाय डोंकी वीजा को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी उन्हें इलीगल तरीके से उनके मनचाहे देश में एंटर करवाने का ऑप्शन देते हैं, जिसकी अलग अलग फीस होती है। लेकिन एवरेज की बात करें तो कम से कम 20 लाख रुपीज में इस तरह के इलीगल रास्ते की शुरुआत होती है। एजेंट्स, जिन्हें एक तरीके से डोंकर्स कहा जाता है, वो क्लाइंट के लिए पूरा रोड मैप तैयार करवाते हैं, जिसके बाद उन्हें रास्ते में लोकल डोंकर्स की मदद के हवाले भेज दिया जाता है। दोस्तों, अमेरिका के केस को अगर लेकर आगे बढ़ें तो एजेंट्स क्लाइंट्स को किसी ऐसे लैटिन अमेरिकन कंट्री में सबसे पहले भेजते हैं जहां या तो वीजा फ्री होता है या फिर बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे कि इक्वाडोर, जो इस तरह के प्रोसेस के लिए सबसे कॉमन कंट्री है, जहां इंडिया के साथ ही साथ 180 कंट्रीज के लोग बिना वीजा के एंटर कर सकते हैं। देखा जाए तो लैटिन अमेरिका में एंटर करने के साथ ही इस यात्रा की चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। इक्वाडोर से लोग आमतौर से बस या किसी प्राइवेट व्हीकल से कोलंबिया पहुंच जाते हैं, जहां से शुरुआत होती है हजारों किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी की, जिसे बिना किसी फैसिलिटीज के लैंड के जरिए पूरा करना होता है। दोस्तों, कोलंबिया से आगे की जर्नी में इन्वॉल्व होता है डेरियन गैप, जो कि इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और दुर्गम जंगल है, कोलंबिया और पनामा सीमा के बीच, या फिर कहें कि दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला एक सघन जंगल डेरियन गैप है। 10,000 वर्ग मील में फैला डेरियन गैप दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जहां किसी भी देश का कोई कानून लागू नहीं होता। यहां ना तो कोई रोड है और ना ही कोई सरकारी मदद। ऐसे इलाकों में ही आमतौर से लोग सबसे ज्यादा अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि जंगल में सांपों और जंगली जानवरों का शिकार होने के साथ ही साथ यहां के अपराधी भी बहुत से लोगों को लूट लेते हैं, जिसके बाद ना तो उनके पास कुछ खाने पीने के लिए बचता है और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो आगे की मदद के लिए पैसे दे पाए। ऐसे में हर साल दुनिया भर के प्रवासी इन जंगलों में मर जाते हैं, जिसमें भारतीय लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आप इसे मैप पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे इक्वाडोर के बाद कोलंबिया और उसके बाद ये डेरियन गैप पड़ता है, जो पनामा से होते हुए मेक्सिको बॉर्डर तक जाने का इकलौता रास्ता है। दोस्तों, इस तरह कुछ लोग ड्रग कार्टेल, लोकल हिचहाइकिंग और पुलिस और कस्टम्स को ब्राइट देते हुए किसी तरीके से मेक्सिको बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जिसमें उन्हें 10 से 20 लाख खर्च कर देने पड़ते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सबकी जर्नी की अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है। देखा जाए तो मेक्सिको पहुंचने के बाद वहां पर भी कई ऐसे लोकल डोंकर्स होते हैं जो लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराने के बहाने उनसे पैसे लेते हैं। दोस्तों, पैसे देने के बाद भी लोगों को सब ह्यूमन कंडीशन में हफ्तों या महीनों तक उसी बॉर्डर के पास रहना पड़ता है, फिर जाकर कहीं उनका नंबर आता है। नंबर आने के बाद उन्हें भले ही बॉर्डर क्रॉस करने का मौका मिल जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से पुलिस उन्हें डिटेन कर ही लेती है, जिसके बाद ऐसे लोगों को दुनिया भर से आए हुए अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ बॉर्डर के पास में ही डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जो कि लोकल जेल से भी बदतर होती है, जहां पर लोग अमेरिका में असाइलम की मांग करते हैं। दोस्तों, अधिकतर इसकी शुरुआत क्रेडिबल फियर इंटरव्यू से होती है, जिसमें उन्हें अधिकारियों को भरोसा दिलाना होता है कि वो इंडिया में अपने देश में प्रताड़ित किए गए हैं, इसलिए उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। देखा जाए तो ये पहला स्टेप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां ऑफिसर्स को ये लग गया कि आपको किसी तरह का जायज डर नहीं था, उसके बावजूद भी आप अपने देश से यहाँ आए हैं, तो सीकर का केस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर उन्हें सीकर्स के थ्रेट सही लगते हैं तो फिर ऐसे लोगों को इमिग्रेशन जज के सामने पेश होना पड़ता है, अपने लिए लॉयर हायर करना होता है और जज के द्वारा फाइनली ये तय होता है कि किसको असाइलम मिलेगा और किसको नहीं। लेकिन उसमें से बहुत कम लोगों को ही असाइलम मिलता है और बाकियों को वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ असाइलम मिलना भी बहुत सब्जेक्टिव केस होता है, यानी अगर सच में असाइलम सीकर ये प्रूव कर दे कि उसे इंडिया में जान का खतरा या कोई मेजर थ्रेट है, तो उसे असाइलम मिल जाता है। दोस्तों, उसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 1984 के सिख राइट्स के बाद जितने भी सिख असाइलम की मांग करते हुए यूएसए, यूके और कनाडा जैसे देशों में पहुंचे, उन्हें आसानी से वहां पर शरण मिल गई। क्योंकि इंडिया में अब ऐसी कंडीशन है नहीं, इसलिए इंडियंस को आसानी से असाइलम ग्रांट नहीं होता। दोस्तों, जानलेवा प्रोसेस की सैकड़ों कहानियां सुनने के बावजूद भी आज देश में लोग तेजी से डोंकी प्रोसेस को चुन रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि इंडिया में डोंकी वीजा के केसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ गए हैं।
दोस्तों, भारत से अमेरिका और उसके जैसे देशों में इलीगल इमिग्रेशन लगातार बढ़ रहा है। जिसे आप और क्लोजली एनालाइज करें तो ये समस्या पंजाब, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्यों में ही ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्मली यूट्यूब पर डोंकी फ्लाइट्स को सर्च करते हैं तो उसमें आपको कई ऐसे इंडियंस की वीडियो ब्लॉग्स या फिर शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो या तो पंजाबी सिख हैं या फिर हरियाणा या हिमाचल से हैं। देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत भी तरीके से पंजाब से होती है। दोस्तों, आजादी के कुछ दशक बाद से ही नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पंजाब से माइग्रेशन शुरू हो गया। जो लोग बहुत शुरुआत में ही यूएसए और कनाडा जैसे देशों में पहुंच गए, उनके सिक्योर और सक्सेसफुल लाइफ की स्टोरीज आज भी लोकल पंजाबी यूथ के बीच मोटिवेशनल फ्यूल का काम करती है। और लोग वैसे ही बेहतर जिंदगी की तलाश में ज्यादा वेल्थ और कम मेहनत के लालच में इस रास्ते को चुनते हैं। दोस्तों, आज भी पंजाब के बहुत से लोकल हीरोज इसलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि उन्होंने पंजाब की जगह ऐसे देशों में माइग्रेट होना सही समझा। आज अधिकतर पंजाबी स्टार्स, सिंगर्स और रैपर्स ऐसे देशों से अपना कैरियर बनाते हैं। यही फेम और वेल्थ की लालच फिर लोकल पंजाबीज को अमेरिकन, कैनेडियन या यूरोपियन ड्रीम दिखाती है, जिसे हकीकत बनाने के लिए लोग लीगल या इलीगल किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। अब चूंकि लीगली एंट्री इतनी आसान होती नहीं है, इसलिए लोग एक दूसरे के कुछ सक्सेसफुल डोंकी वीजा के एग्जाम्पल को लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग ये मानते हैं कि डोंकी रूट्स में आने वाली मुसीबतें उनके सुनहरे भविष्य की तुलना में कुछ भी नहीं। ऐसी उम्मीद लेकर आजकल हरियाणा, हिमाचल और गुजरात के लोग भी इस रूट को अपना रहे हैं। दोस्तों, बेटर लाइफ के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण सेपरेटिज्म की भावना भी है। वैसे तो खालिस्तान को पंजाब में सपोर्ट करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन अधिकतर इस मूवमेंट को देश से बाहर रहने वाले सिख कम्युनिटी के लोग ही चला रहे हैं। भारत से अलग स्टेट बनाने की भावना की वजह से भी पंजाब के सिख कम्युनिटी के लोग इस तरह से इंडिया छोड़कर ऐसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं जहां कुछ सिख लोग ये शो करते हैं कि वो इंडिया में सेफ नहीं है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके चलते ऐसे बड़े देश इन लोगों को अपने यहाँ पर असाइलम दे देते हैं। चूंकि रिसेंट टाइम में खालिस्तान मूवमेंट में तेजी देखने को मिली है और उसके खिलाफ गवर्नमेंट के एक्शंस भी तेज हुए हैं, इसलिए पंजाब में रहने वाले सेपरेटिस्ट डोंकी फ्लाइट्स के रास्ते देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बढ़ते डोंकी फ्लाइट्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर LGBTQ कम्युनिटी का भी है। इलीगल वेज से अमेरिका जाने वाले इंडियंस में रिसेंटली इस कम्युनिटी के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कम्युनिटी के लोग इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी और यहाँ के लॉज को अपने लिए सिक्योर नहीं समझते हैं। उनका ऐसा मानना है कि भले इंडिया में LGBTQ को डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन है कि अमेरिका की ओपन सोसाइटी में लोग उन्हें अपना लेंगे और जो डिस्क्रिमिनेशन उन्हें इंडिया में झेलना पड़ता है वैसा उन्हें अमेरिका में नहीं झेलना होगा। क्योंकि अमेरिका इस समय LGBTQ कम्युनिटी को लेकर काफी ओपन और वेलकमिंग देश बना हुआ है, जहां सेम सेक्स मैरिज से लेकर इस कम्युनिटी के लोगों को लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं। और इसी के चलते ऐसे लोग तेजी से अमेरिकन सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए डोंकी रूट्स को अपना रहे हैं। दोस्तों, LGBTQ के साथ ही साथ दलित और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी भेदभाव के डर से देश छोड़ने के नाम पर ऐसे रूट्स अपना रहे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो भारत से आने वाले लोगों की संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पहुँचने में सफल रहे रिश्तेदार और दोस्त उन्हें बुला लेते हैं। यानी कि जो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके असाइलम पाने में सफल हो रहे हैं, उन्हें इस इलीगल डोंकी फ्लाइट्स की सक्सेसफुल लैंडिंग की तरह देखा जाता है। ऐसे में जितनी ज्यादा सक्सेसफुल लैंडिंग हो रही है, उससे ज्यादा लोग डोंकी फ्लाइट्स से उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और फैक्टर को समझे तो इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का वेलकमिंग फेस भी जिम्मेदार है, जिसमें एक दोहरापन नजर आता है। आप इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका में आज भी इंडियंस को वर्क वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल देता है जो इलीगली अमेरिका में एंटर करने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए अमेरिका ये शो करता है कि इंडिया में भेदभाव बहुत ज्यादा है और वहां के लोग अमेरिकी शरण में आना चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका उन्हें असाइलम ग्रांट करके अपनी ग्रेट इमेज और इंडिया की खराब इमेज दुनिया के सामने रखता है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका असाइलम ग्रांट कर सकता है तो फिर वर्क वीजा या एडुकेशन वीजा को इतना स्ट्रिक्ट क्यों बनाए हुए है? साथ ही अमेरिका उन स्मगलिंग रैकेट्स के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता जो हर साल हजारों की संख्या में लोगों को इलीगली यूएसए के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं ये अमेरिका जैसे देशों का दोहरापन ही है जिस वजह से लोग लोकल वेज को चुनने के बजाय इलीगल डोंकी रूट्स को फ्रीक्वेंटली चुनने लगे हैं। दोस्तों, इस बढ़ते इलीगल इमिग्रेशन से न सिर्फ लोगों की जान और पैसों का संकट खड़ा होता है, बल्कि देश की छवि भी खराब होती है। एक ओर इंडिया तेजी से इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर ऐसे डोंकी फ्लाइट्स के केसेस देश की इमेज के खिलाफ हैं, जिसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। देश में बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से प्रोडक्शन के साधनों पर लोगों का अधिकार कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सेटिस्फैक्ट्री और बेटर लाइफ के लिए यूएसए, यूके और कनाडा की राह आसान लग रही है। देखा जाए तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट के यूथ के फ्यूचर को इंडिया में सिक्योर करे।
साथ ही स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पर फैले ऐसे डोंकी फ्लाइट्स के रैकेट्स को भी खत्म करे, ताकि सिर्फ बेटर भविष्य की मृग मरीचिका लोगों की जान जोखिम में न डाले और देश से ये इलीगल पलायन कम हो। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।